हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अनीस दा टेक में आप सबका स्वागत है। हम आगे हमारी नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है कैसे आप इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सअप क्रिएट कर सकते हैं विदाउट आपका खुद का पर्सनल नंबर यूज़ किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में ज़रूर क्लिक कर दीजिए और लाइक बटन पर भी ज़रूर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी ऐसा लगे तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं हमें। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको पहले जाके प्ले स्टोर पर सर्च करना है सिक्योर VPN। ये काफ़ी सिक्योर VPN है इसके नाम की तरह, तो ये VPN को आपको डाउनलोड करना होगा। VPN डाउनलोड कर लीजिए, ऑलरेडी इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास पहले से ही, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक बार अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं किया तो आप एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग, आप इसके जाके कमेंट सेक्शन में या फिर रिव्यूज़ में जाके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि ये कितना अच्छा एप्लीकेशन। तो ओपन करने के बाद दोस्तों, ओपन पे क्लिक करते हैं, आपका इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस पे आप कुछ देर बने रहें, उसके बाद आपको जो है वो लोकेशन जो आपकी दिखाएगी। इस तरह से एक ऐड आएगा, ऐड को स्किप कर दीजिएगा। मतलब आपको वर्ल्ड का साइन दिख रहा है ऊपर, जो आपको एक साइन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ जाके आप दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम में से कोई भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ एक ऐड आएगा, ऐड पे क्लिक करके उसे हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। वहाँ आने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है जो मैंने लिखा है, online sim.com। ये आपको लिखना है, एज इट इज़ लिख देंगे आप। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको जो है पहली लिंक जो दिख रही है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं ये लिंक जो है, इस पर क्लिक करते हैं आप। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट जो है वो रन करेगी। लेकिन आपको पहले क्या करना है, आपको जो है वो पहले आपको इसका जो है VPN कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ गेट एक्सेस है, ट्राई टू फ्री है। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं हम, यहाँ आपको स्टेप्स बताएंगे। स्टेप्स में आने के बाद आप चूज़ कंट्री पर क्लिक कीजिएगा। चूज़ कंट्री पर क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बहरीन या फिर USA, यूनाइटेड किंगडम, कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं जो है बहुत सारे कंट्री के ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से मैं कोई कंट्री जो है उसे सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं जो है वो प्रीफर करूंगा आप USA वगैरह सेलेक्ट कीजिए। मैं बस एग्जांपल के तौर पे आपको एक कंट्री सेलेक्ट करके बता देता हूं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इंडोनेशिया मैंने सेलेक्ट किया है, +62 का उसका कंट्री कोड है। ये मुझे नंबर यहाँ से मिल गया है। मैंने यहाँ जो है टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया है, वहाँ से जो लिस्ट व्यू आता है उस पर क्लिक करने के बाद मुझे नंबर मिल गया है। अब ये नंबर जो मिल गया दोस्तों, ये नंबर मैं जाके वहाँ व्हाट्सएप पे डालूंगा, और ये व्हाट्सएप पे डालने के बाद देखेंगे एक्टिव है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो नंबर है वो कभी कभी आपको जो है वो नहीं मिलता है, एक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ जाके मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं कंट्री कोड 62 कर देता हूँ, जिस तरह से मैंने वहाँ देखा था कंट्री कोड 62 है। तो वो करने के बाद मैं यहाँ नंबर जो है वो हटा के यहाँ से परफेक्ट डाल देता हूँ। तो कनेक्टिंग भी क्लिक करते हैं, देखिए नंबर अवेलेबल है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हमें OTP देखना है, तो वेबसाइट पे एक बार वापस जाएंगे, वहाँ जाके रिफ़्रेश करना है। आपको कुछ देर इंतज़ार करना है, तभी आपका OTP आएगा। यहाँ देखिए मुझे जो OTP मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मुझे OTP आया है कि नहीं मैं एक बार देख लेता हूँ। जैसे OTP आ जाएगा मैं OTP एक बार जो है वो एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली रिफ़्रेश आप एक दो बार कर लीजिएगा। बहुत बार ये क्या होता है, रिफ़्रेश करने के बाद भी OTP नहीं आता है। तो अब देखिए मुझे ये OTP आ चुका है 72 वाला, तो मैं यहाँ OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद मैं इसे वेरीफाई करूँगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से आपका जो व्हाट्सअप चालू हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।